और भाई एक छोटी सी नन्नी मुन्नी सी बच्ची है जम्मू कश्मीर से पीएम मोदी जी को अपील कर रही है। वो क्या अपील कर रही है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। एक पैगाम उन्होंने एक वीडियो बना के भेजा है, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है वीडियो, तो देखते हैं इस वीडियो को। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उन एक एक बंदे का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। प्लीज हमें ज्यादा सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखते हैं आज की वीडियो। थी अस्सलाम वालेकुम मोदी जी, कैसे हो आप? ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोहाई मल्हार में रहती हूँ। मेरे को ना मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। क्या बोलना भाई? मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात सुनो। मोदी जी ये हमारा स्कूल है। अच्छा। ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और ये स्टाफ रूम है। देखो हमारा फर्श कितना गंदा हो चुका है, हमें यहाँ नीचे बिठाते। प्लीज मुझे आप अच्छा स्कूल बनवा दो ना। देखो यहाँ पे कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बिठाते हैं फिर। चलो मैं आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिखाती हूँ अपने स्कूल की। ये देखो पिछले 5 सालों से देखो कितनी गंदी बिल्डिंग यहाँ है। कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया इधर। चलो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। वो वहाँ बाहर हमें हमारी क्लास लगती है। देखो कितना गंदा फर्श है हमारा। फर्श? अब प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना अच्छा सा टॉयलेट, अच्छा सा आप स्कूल बना दो। देखो कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और टाट पे बैठना पड़ता है। हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है और हमें हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है फिर हमें मामा मारती है। हमारे पास बेंच भी नहीं है। चलो मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। देखो हमारा कितना गंदा टॉयलेट है और टूट गया है। यहाँ पे देखो हमारी नई बिल्डिंग बन रही है तो कितना गंदा टॉयलेट है इधर। हमें नाली में जाना पड़ता। चलो मैं आपको बताऊँ। मोदी जी आप पूरे देश की सुनती हो, मैं भी एक छोटी बच्ची, मेरी भी सुन लो और अच्छा सा हमारा ये स्कूल बनवा दो। बिल्कुल सुंदर सा स्कूल बना दो ताकि हमें नीचे टाट पे ना बैठना पड़े फिर हमें मम्मा ना मारे, ताकि हम अच्छे से पढ़ाई करें। हमारा स्कूल प्लीज अच्छा सा बनवा दो प्लीज, रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो देखा ही आपने इस वीडियो में कि यार एक छोटी सी बच्ची कितनी क्यूट बच्ची है। कम से कम मुझे लगता है 5 से 6 या 6 साल से ऊपर तक मुझे लग रही थी ये बच्ची। तो इतनी अच्छी उसने बात की है, एक स्कूल बनवाने की अपील की है पीएम मोदी जी से। तो आपको पता है ये वीडियो जो है वायरल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी इस पर काम ज़रूर किया जाएगा। लेकिन भाई मतलब एक छोटी सी बच्ची, मैं सोच रही थी इतना ज़्यादा कोई चलाक बच्चा भी हो सकता है कि उसने सोचा होगा कि वैसे पीएम मोदी जी सबके, आपको पता है जो भी जहाँ जहाँ काम होना हो ना वो हर जगह पर काम करवा रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं ना, श्रीनगर की, उन्होंने स्मार्ट सिटी उसको बनाने का वो जो भी बात कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने इतने ज्यादा वहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, और इसके अलावा हमने जो हॉस्पिटल्स हैं वो हर चीज वहाँ पे हमने बनती हुई देख लिया। और अभी एक छोटी सी बच्ची की अपील ये है कि हमारा स्कूल जो है बहुत ज्यादा गंदा है। मतलब आपको पता है कि वो वहाँ पे काम, ऐसा लगता है कि वहाँ पे काम हो रहा था लेकिन काम को बीच में ही रोक दिया गया है। हाँ इस तरह से फील हो रहा था, लेकिन उस काम को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। बोला हमें बेंच चाहिए, बेंच की बहुत ही ज्यादा जरूरत है ताकि हमें जमीन पे बैठ के पढ़ाई ना करनी पड़े। हम
जो बेंच वगैरह होते हैं उस पे बैठ के अच्छी तालीम हासिल कर पाए। छोटे से मुझे लगता है गाँव में ना, गाँव का आपको स्कूल होते हैं ना, तो वहाँ पर फिर जो छोटे छोटे गाँव होते हैं वो सारे बच्चे बच्चियाँ आकर पढ़ते हैं, तो स्कूल की हालत तो काफी ज्यादा खस्ता थी, वॉशरूम्स भी नहीं थे, जो मेन चीजें आपको पता होती है क्लासरूम्स भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि बच्ची ने कहा कि हमें नीचे बैठना पड़ता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको पता होती है, और मौसम भी सर्द रहता है ना कश्मीर में, ज़्यादातर वहाँ सर्दी रहती है, तो बहुत ही मुझे ना अच्छा मैसेज लगा। और मतलब एक बच्ची इतनी प्यारी बातें कर रही है और कैसे बच्चों की तरह बात कर रही थी यार, मामा मारती है बहुत ज़्यादा जब कपड़े हमें भी, मुझे भी अपने स्कूल की बातें याद आ गई, जब हम स्कूल जाया करते थे ना तो हमारी भी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती थी, हम तो वहाँ पे तो हमारे पे तो बेंच थे ही, लेकिन हम ऐसे ही जाके ग्राउंड वगैरह में खेलना, कपड़े गंदे हो जाते तो अम्मी जो थी ना मारती होती थी कि ये क्या रोज रोज, वैसे भी वाइट यूनिफॉर्म होता था तो बहुत ज्यादा ना गंदा हो जाता था, तो अभी भी ये बच्ची भी इसकी भी दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि हर बंदा इस फेज से गुजरा हुआ होता है। तो स्कूल की बिल्डिंग वैसे उन्होंने दिखाई, जो दूसरी बिल्डिंग थी ना वो काम मुझे लगता है वहाँ चल रहा था, काफी हद तक मुकम्मल भी हो चुका है, लेकिन वहाँ फर्श वगैरह जो मेन चीजें होती है ना बाद में वो कुछ भी नहीं था, पांच साल हो गए जो ये काम रुका हुआ है, तो अगर वो बिल्डिंग बन जाए ना अभी भी उस पर थोड़ा सा काम हो जाए जो होने वाला है, तो मुझे लगता है ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो भी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनको अच्छी एक तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा, मौका मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों में से बहुत ज्यादा यहाँ पे कमेंट करने वाले हैं, चलो मैं ही बोल देती हूँ, आप लोगों करके हमें ना ही बताओ कि आप लोग बोलोगे कि आप अपने कश्मीर की जानिब देखो वहाँ पे क्या है, हमने वीडियोस देखी हैं, हमें पता है, हम इस चीज से वाकिफ है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके पास यहाँ पे तो स्कूल है, यहाँ पे तो मतलब इंडिया में तो स्कूल जैसे कि हमने देखा वहाँ पे बना हुआ है, हमारे यहाँ पे तो स्कूल वगैरह भी नहीं बने हुए, लोग बच्चे बेचारे नीचे बैठ के तालीम हासिल करते हैं, छत वगैरह भी नहीं है, बस एक एक जगह ही है, उसको हुकूमत की जगह भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक ऐसे ही जगह है जहाँ पे बच्चे तालीम बैठ के हासिल करते हैं। हमें उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है हमारे, चलो यहाँ पे तो वीडियो आई, इनकी गवर्नमेंट तो इनके लिए कर देगी कुछ ना कुछ, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कोई भी इकदाम नहीं उठाती, इस चीज़ से हमें बहुत ही ज़्यादा सच्ची में बहुत ही ज़्यादा हमें बुरा फील होता है, हमें हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी कश्मीर के लोग या जहाँ पे भी लोग हमारे जहाँ पर भी किसी किस्म को भी ये प्रॉब्लम है तालीम की है या कोई भी प्रॉब्लम है, इनका काम है कि ये दूर करें, क्योंकि हम ही लोग हैं जो इनको वोट दे के चूज करते हैं, जब इनको चूज करने का टाइम आता है तब तो ये बोलते हैं, बहुत प्रॉमिस करते हैं कि यार हम ये करेंगे हम वो करेंगे, और जब करने का टाइम आता है तब कुछ करते नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इनको सवाल वैसे पूछने चाहिए, हमारी आवाम जब तक इनसे सवाल नहीं पूछेगी तब तक ये हमारे कंट्री का कुछ नहीं हो सकता है। इन्होंने जैसे कि एक बच्ची ने एक अपील किया, बहुत ही अच्छा मैसेज था, इतना अच्छा मैसेज था, अभी बहुत जल्दी ये मुझे पता है कि ये उनका बहुत जल्दी तुरंत ये काम हो जाएगा, और जितना भी वहाँ पे हम तो देख ही रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मॉल वगैरह बन रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है तो स्कूल नहीं बन सकता। हाँ, तो लेकिन ये वीडियो वायरल हो गया ना, अगर ये ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट हुकूमत ने ये देखी है, क्योंकि ये हर न्यूज चैनल पे ये वीडियो आई है, तो फिर काम भी अगर स्टार्ट होगा ना तो वो भी दिखाएंगे कि यार इस बच्ची की रिक्वेस्ट पर काम शुरू हो गया है, तो बहुत ही अच्छी लगी वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, ज्यादा अच्छी लगी होगी आपको, कैसी ये क्यूट सी वीडियो, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, अगर आपको भी पसंद आई है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है एक और वीडियो में, थैंक यू।